2015 में 90 लाख लोग सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से मरे थे, जिसमें 24% यानी कि 24% स्ट्रोक की वजह से, 43% यानी कि 43% लंग डिजीज से एंड 25% यानी कि 25% दिल की बीमारी से मरे थे। और अब तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया है। पानी को हम उबालकर फिल्टर करके साफ कर सकते हैं। पानी की गंदगी साफ दिखाई जाती है, इसलिए हम पुराने तरीकों से या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसे साफ कर इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इस प्रदूषित हवा का क्या? हम शायद इस प्रदूषित हवा की समस्या को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि ये और उसका प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देता है। 1984 में हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी का असर आज भी चल रहा है। तो सोचिए ये समस्या कितनी गंभीर है और कितनी नुकसानदायक। वायु प्रदूषण को रोकना एक उपाय है ही, लेकिन इस प्रदूषण के असर से भी बचा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गैजेट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे जो इसमें आपकी मदद करेंगे। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एयर प्यूरिफायर्स, ये कमरे में छुपे पॉल्यूशन फैलने वाले पार्टिकल्स को खींच लेता है और 99% यानी कि 99% हवा को शुद्ध करता है। ये घरों और इंडस्ट्रीज में आप रख कर दूषित हवा को शुद्ध कर सकते हैं। इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को ये बड़ा फायदेमंद है, जिससे यह हवा में फैले छोटे से छोटे लेकिन खतरनाक केमिकल पदार्थों को खींच लेता है और ऐसी परिस्थितियों में भी हमें शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका देता है। डस्ट एलर्जी वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। इंडक्शन कुकिंग मशीन, जब आप प्राकृतिक गैसेस यानी कि नेचुरल गैसेस को जला के आप खाना पकाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे गैसेस का सामना करना पड़ता है जो कैंसर भी फैला सकता है। और इंडक्शन कुकर को यूज करके आप सिर्फ बिजली के इस्तेमाल से सस्ता और अच्छी तरह से खाना पका सकते हैं। इससे ना तो गैस खत्म होने की झंझट, ना गैस सिलेंडर्स के लिए अलग जगह बनाने की गरज, और हाँ ये पोर्टेबल भी है, तो ये छोटे से किचन में भी आसानी से फिट हो जाता है। आपको चाहिए सिर्फ इलेक्ट्रिक सप्लाई और आप क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके वायु प्रदूषण से बच जाएंगे, और वो भी बड़े किफायत दाम में। इलेक्ट्रिक कार्स, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स के 3 मॉडल्स रिलीज किए हैं। ये कार्स एक बार चार्ज करने से ये गाड़ियां 500 किलोमीटर तक भी चलती है और ये बहुत ज्यादा सुरक्षित भी होती है। ये पेट्रोल, डीजल या अन्य ईंधन को उपयोग करके नहीं चलती, इसलिए इनसे जहरीले प्रदूषित गैसेस नहीं निकलते। ये हवा में फैले प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकती है अगर हम सब इस टेक्नोलॉजी को अपना ले तो। प्यूरिफिकेशन टावर्स, चाइना की गवर्नमेंट ने हवा से एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये 100 मीटर लंबे टावर्स लगवाए हैं। मान लीजिए ये एयर प्यूरिफायर जैसा ही काम करता है, सिर्फ आकार में बड़ा है। ये हवा के प्रदूषण को खींच लेता है और शुद्ध हवा को बाहर निकालता है। एयर क्वालिटी मीटर, क्या आप जानते हो कि आपके घर की हवा कितनी पॉल्यूशन रहित है? तो दोस्तों ये अब मुमकिन है। अपने घर में हम खाना बनाते वक्त या आग जलाते वक्त या किसी अप्लायंस को यूज करते वक्त, जैसे कि मॉस्किटो रिपेंट, जाने अनजाने में आसपास की हवा को दूषित करते हैं और ये बाहर की हवा से ज्यादा हानिकारक हो जाती है। हम अपने घरों में अब इस प्रदूषण को माप सकते हैं और प्रदूषण को कंट्रोल में ला सकते हैं। ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल पावर, बायोमास जैसे ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनर्जी ही नहीं देती, बल्कि इसके उपयोग से किसी तरह का पॉल्यूशन भी नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा दोषी माना गया है। ये गैजेट हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर निकालती है। ये काफी हद तक ग्लोबल वार्मिंग के प्रोसेस को भी स्लो कर सकती है। इनोवेटिव एग्जॉस्ट पाइप्स, ऐसे एग्जॉस्ट पाइप्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा धुएं को ऑक्सीजन में बना देता है, जो हमारे बहुत काम आती है। और कुछ ऐसे पाइप्स भी होते हैं जो कार के धुएं को फिल्टर करके उससे निकले हुए धुएं को इंक बनाने का प्रयोग में भी लाती है, यानी कि ये सब हवा में फैलने से बचाता है। एयर फिल्टर मास्क, ऐसे मास्क भी आते हैं जो आपको हवा में प्रदूषित पदार्थों से बचाता तो है, साथ में ये हवा में छुपे बैक्टीरिया से भी बचाता है। ये हवा बाहर छोड़ते वक्त मॉइस्चर नहीं पैदा होने देता, यहाँ इनबिल्ट फैन से बना हुआ है। यह पहनने वाला इंसान के सांस लेने की गति के अनुसार हवा का सर्कुलेशन बैलेंस करता है। यह चार्ज करके आप इसे कहीं भी पहनकर जा सकते हो।
तो देखा दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ कितनी आसान बना दी है। ये देखा जाए तो सिर्फ पॉल्यूशन से बचने और रोकने के तरीके हैं, जो अगर कोई आजमा ले तो शायद हर किसी की जिंदगी सुधर जाएगी। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।